Hello and welcome aspirants to daily news analysis of Indian Express. Today the date is 29 August. So let's get started. I am sorry कल discussion नहीं हो पाया उस वजह से. Okay, तो उसमें अगर कुछ important चीजें होंगी तो वो मैं जो अपना weekly prelims extra करूँगा उसमें cover कर. Okay, so you won't miss out on anything. Don't worry. यहाँ पर फर्स्ट है आपके प्रिलिम्स के जानना जरूरी है कि शॉर्ट सेलर्स क्या होते हैं. ये लोग वो होते हैं जो शेयर्स को खरीदते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इनकी प्राइस गिरेगी. ओके, तो ये उसको शॉर्ट शॉर्ट टाइम में बाय सेल करते रहते हैं और बीच का जो मार्जिन बचता है वो उनका प्रॉफिट कहलाता है. ओके, सो शॉर्ट सेलर्स आर इन्वेस्टर्स हु बिलीव एंड बेट शेयर प्राइसेस विल फॉल. दे बोरो शेयर्स टू सेल एंड बाय देम बैक लेटर एट ए लोअर प्राइस thus making a profit in the transaction. Alright, उसके अलावा आपको ये derivatives के बारे में ये condition याद रखनी चाहिए. Domestic investors as well as FPIs and FIIs registered with SEBI are allowed to trade in derivatives. Alright, दो चीजें होती है ना, shares and derivatives. दूसरा है यहाँ पर MSP को लेके, तो मुझे पहले इसके बारे में आपको कुछ बातें बतानी होंगी. आप सभी ने स्वामीनाथन कमेटी के बारे में सुना होगा, राइट? तो स्वामीनाथन कमेटी अटल मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पर सेटअप की गई थी टू रेकमेंड कि हम लोग एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म करने चाहिए. तो सबसे पहले इन्होंने बताया थे कि कॉजेज क्या है फार्म डिस्ट्रेस के. तो इसमें से कुछ कॉजेज हैं और ये कॉजेज 2004 में भी सेम थे और आज भी यही कॉजेज सेम है. तो आप देख सकते हैं कि 20 साल में हमने इन कॉजेज को ठीक से एड्रेस नहीं किया है. पहला है टेक्नोलॉजी फैटिक. एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बहुत कम यूज होती है. अभी तो फिर भी ये हमारे यहाँ की हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से अच्छी क्वालिटी के सीड्स बनाने लगे हैं. ऑलराइट, हमने धरा बनाया है जीएम मस्टर्ड. उसी तरह हमने अभी एक दिन और अपने डिस्कशन में देखा था जेनेटिकली इंजीनियर्ड एक बनाया गया है मस्टर्ड के लिए सीड्स. ओके, फिर हमने बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस किया. तो अब तो इसको थोड़ा एड्रेस किया गया है कुछ हद तक, बट फिर भी अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है. हमने नैनो यूरिया भी बनाया है, ठीक है, यूरिया लिक्विड फॉर्म में जो कि बेटर एफिशिएंसी के साथ एब्जॉर्ब होता है. दूसरा है वाटर क्वांटिटी. इंडिया में हम अभी भी आज अगर मॉनसून पे वल्नरेबल है हमारा एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं दे पाए अपने लोगों को. ओके, तो पहले तो हमें इरिगेशन को इंश्योर करना होगा टू एवरी फार्म. अगर मध्य प्रदेश पिछले 3-4 साल से नंबर वन बना हुआ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि मध्य प्रदेश में इरिगेशन पे बहुत वर्क किया गया है. ओके, नेक्स्ट इज लैंड रिफॉर्म इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा. तो अब तक हुए नहीं है, कहीं पर हैं ऐसे जो जिनके पास 200 500 एकड़ तक की जमीन है और मेजोरिटी लैंडलेस फार्मर्स हैं कि जो दूसरे के लैंड पे वर्क कर रहे हैं आज भी, ठीक है, तो इनको कभी प्रॉपर लैंड मिल नहीं पाया है खुद का. नेक्स्ट इज अश्योर्ड एंड प्रॉफिटेबल मार्केटिंग. तो आप सब जानती हैं एपीएमसी जो मंडी है हमारी उसके रिफॉर्म्स को के बारे में, तो उस पर कभी सेपरेटली अलग से बात करेंगे. दूसरा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट. तो ये क्रेडिट इंश्योर करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड उस तरह की स्कीम्स लाई गई हैं जो ऑलमोस्ट 3% पर लोन देती हैं. नेक्स्ट इज मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि यही फ्लड ड्रॉट्स एटसेट्रा कभी आ जाते हैं, ठीक है. अब दूसरा है यहाँ पर कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. देखिए CACP होती है जो रेकमेंड करती है कि एमएसपी क्या होनी चाहिए, बट फाइनल डिसीजन लिया जाता है बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. Alright, this is one among the 12 committees of the cabinet. अब ये जो MSP होती है वो बेस्ड हो सकती है या तो A2 पर या A2 plus FL या C2. ये सारे फॉर्मूले स्वामीनाथन कमेटी ने ही दिए थे. तो अगर A2 की बात करें तो ये कवर करता है ऑल कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फार्मर्स लाइक सीड खरीदने पर, फर्टिलाइजर, केमिकल, हायर्ड लेबर, इस तरह की चीजों पर, ठीक है. तो इसमें प्रॉपर पिक्चर नहीं दिखती थी, तो फिर क्या जोड़ा गया, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनके पास छोटा लैंड है लाइक 3 हेक्टेयर. यहाँ पे लोग अपनी खुद की फैमिली लेबर से ही काम कर लेते हैं, अलग से लेबर हायर नहीं करते हैं. तो उसे कहा गया A2 plus FL, that is cost plus imputed value of unpaid family labor. Alright, unpaid family labor. And third है C2. C2 में आपने F2 के साथ साथ, F2 plus FL के साथ साथ आपने जोड़ा revenue foregone on owned land. That is, अगर आप ये इस लैंड पर एग्रीकल्चर खुद ना करके आप सपोज रेंट आ रहा होता, आपको आपने किसी को दिया होता रेंट पे, तो वो रेंट भी इसमें जोड़ा गया. और दूसरा कैपिटल एसेट पे इंटरेस्ट, लाइक आपने अगर ट्रैक्टर परचेज किया तो उस पर आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक को वो भी जोड़ा गया.
तो गवर्नमेंट देती थी ए टू प्लस एफ एल पे डिसाइड बेस्ड एमएसपी, लाइक इसमें 1.5 टाइम्स और ऐड कर दीजिए, इतना प्रॉफिट देना है हमें इसके ऊपर, ठीक है। फिर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोटेस्ट में डिमांड करते हैं कि हमें सी टू के बेसिस पर चाहिए, तो गवर्नमेंट अब दोनों को कंसिडर करती है कहीं ना कहीं, ओके। यहाँ पे वो एक मिनिमम कॉस्ट जोड़ने की कोशिश करती है कि कितना खर्चा आ रहा है किसान को एग्रीकल्चर करने में, और सी टू में गवर्नमेंट मेजर करने की कोशिश करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और सो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एमएसपी किस पर बेस्ड है, तो वो दोनों पर बेस्ड होती है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने न्यूज़पेपर पर। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि अभी पिछले मंथ जुलाई में, स्पेशली जुलाई एंड अगस्त में, वेजिटेबल प्राइसेस काफी बढ़े, इसके अलावा मिल्क, पल्सेस और सीरियल्स और स्पाइसेस के भी, तो इस वजह से हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन था वो 7% से ऊपर चला गया। और गवर्नमेंट ने अराउंड मई 13 कॉमोडिटीज के एमएसपी भी इंक्रीज किए थे, तो उसको भी एक फैक्टर माना जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने मीटिंग में कहा है, फ्रॉम कंसर्न ऑन इन्फ्लेशन टू एडवाइस ऑन मीटिंग डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन। आपको डब्ल्यूटीओ ऑब्लिगेशन में आई थिंक आपको पता होगा, अगर आप पैरिस प्रिपेयर कर रहे हैं तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ब्लू बॉक्स एंड एम्बर बॉक्स, ओके। दूसरा है लेबर शॉर्टेज, ये मनरेगा की वजह से, ये मनरेगा आया तब से थोड़ा वहां पर विलेजेस में जो रूरल लेबर होता है उनके प्राइसेस भी बढ़े और लेबर की थोड़ी शॉर्टेज हुई, क्योंकि अगर आप बहुत कम प्राइस दे रहे हो तो वो मनरेगा में काम करना ज्यादा प्रेफर करेगा आपकी फील्ड में दिन भर काम करने से बेटर, ओके। दूसरा है राइजिंग वेजेस, तो ये अल्टी अगेन ये मनरेगा का ही रिजल्ट था, क्योंकि मनरेगा ने अब जब मिनिमम इंश्योर कर दिया, आया था तब 100 रुपीज था, बट कई स्टेट्स ने इसको बड़ा बड़ा के ऑलमोस्ट 180 230 तक ले गए, ठीक है। तो अब अगर कोई फार्मर ये कहे कि हम आपको 200 देंगे, तो वो नेगोशिएट करने की कंडीशन में होता है कि नो, हम आप 230 तो हमें मनरेगा में मिल रहा है, तो फिर हम आपको 200 में क्यों काम करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मनरेगा ने दो चीजें इंश्योर की है, एक तो उसने लोगों को नेगोशिएटिंग पावर दी है वेजेस के लिए, ओके, और दूसरा कि उसने जो रूरल इनकम है वो इंक्रीज की है लोगों की। आगे बढ़ते हैं, ये जो आदित्य मिशन है ना, इस पे अभी हम आगे इसी न्यूज़पेपर में आगे डिटेल में बात करेंगे, तो मैं इसको अभी अभी के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, मैं आपको आगे समझाऊंगा ये सब। लेट्स मूव ऑन। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखिए आपने ये जो एमएसपी बढ़ाई भी थी ना, तो उसकी वजह से ये इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा था, मतलब उसी का एक काउंटर पॉइंट है, क्योंकि उनका कहना है कि जी 13 फूड क्रॉप्स फॉर विच एमएसपी वॉज अनाउंस इन जून 7 हैव कंबाइंड वेट ऑफ जस्ट 2.74 इन डब्ल्यूपीआई, ओके। तो इस वजह से तो नहीं बढ़ा एटलीस्ट, तो हमेशा ये कहा जाता है जब भी एमएसपी बढ़ाने की डिमांड की जाती है कि इससे महंगाई महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है एमएसपी बढ़ाने से। ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई, इसको मैं ना आपको थोड़ा सेपरेटली समझाऊंगा अपने सेपरेट वीडियो में, क्योंकि एक बहुत जरूरी अब ये हो गया है कि ये सीपीआई का जो बास्केट है ना, ये बेस्ड है कहीं ना कहीं 2011-12 के टाइम का, और आज हम लोग 2013 में बेस्ड हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न होता है, उनकी डाइट एंड ऑल, वो सब चेंज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये जो बास्केट है सीपीआई की, कि किसको कितना वेटेज देना है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है, ओके। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कमिटीज के रिकमेंडेशन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो भी अननेसेसरी न्यूज है ना, मैं उसको नहीं कवर कर रहा हूँ, ये सब इतना मैटर नहीं करता, तो आप भी इनमें अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं जो हमारे काम के हैं, तो पहले हम डिस्कस करेंगे एआई को लेके। देखिए एआई को लेके इवन आपको पता है, इनका नाम आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो याद रख लीजिए, अगर आप यूपीएससी के अलावा भी कोई एग्जाम देते हैं, सैम अल्टमन, ओके। ही वॉज फाउंडर ऑफ ओपन एआई। ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया है,
ठीक है, तो पहले फर्स्ट इनका नाम, दूसरा इलॉन मस्क, और इनके अलावा भी काफी हैं। तो इन दोनों ने वॉर्न किया है, पहला सैम अल्टमैन ने कहा है कि देयर शुड बी क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी जो एआई और उसके फंक्शन को रेगुलेट करे, राइट। और सेकेंड सेकेंड इज इलॉन मस्क ने भी कहा था देयर शुड बी ए पॉज ऑन एआई डेवलपमेंट अंटिल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ए सेट ऑफ शेयर्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली वर्ल्ड ओवर अब जरूरत है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए हमें एआई और उसके उससे आने वाली टेक्नोलॉजी को। ओवर आप कह सकते हो कि हमें स्टिफल तो नहीं करना है उसको, बट प्रॉपर एक रेगुलेशन होना चाहिए उस पर, क्योंकि इसके मिसयूज के चांसेस भी बहुत हैं। अगर आज आप चैट जीपीटी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे ना, तो ये आपको मिलेगा जर्नलिज्म फील्ड में, क्योंकि वहां पर लोगों को हायर करने की इतनी जरूरत नहीं है, ये इतने अच्छे ऐसे न्यूज रिपोर्ट सब कुछ तैयार कर देता है। ओके, तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों ने अपना अपना एक अप्रोच लिया है कि कैसे हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। अगर बात करें यूरोपियन मॉडल और सॉरी बात करें यूरोपियन मॉडल की, तो उन्होंने कहा है ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैज सॉट टू क्लासिफाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द रिस्क दे पोज। सो ये डिवाइड करेंगे इसको चार कैटेगरी में, मिनिमल, लिमिटेड, हाई एंड अनएक्सेप्टेबल लेवल। ओके, चार कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इसके अलावा दे विल गो फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन यूरोपियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड टू ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन। ऑलराइट, तो इन लोगों ने दो चीजें की है, पहला क्लासिफिकेशन चार कैटेगरी में, मिनिमल, लिमिटेड, हाई और अनएक्सेप्टेबल लेवल, और सेकेंड एक यूरोपियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड टू ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन। बात करें अगर इंडिया की, तो यहाँ पर भी ट्राई ने कुछ रेकमेंड किए थे, उसमें से एक रेकमेंडेशन था सेटिंग अप इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड ए मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी विच ड्रॉस इट्स मेंबर फ्रॉम गवर्नमेंट, अकेडमिया एज वेल एज इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज इट प्रपोज ए मैट्रिक्स टू क्लासिफाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज केसेस बेस्ड ऑन देयर रिस्क। हमने भी रिस्क बेस्ड कैटेगराइज किया, लेकिन हमने सिर्फ इसको हाई और लो रिस्क में रखा है। ओके, यूरोप ने इसको चार कैटेगरी में डिसाइड किया है। नाउ रेगुलेट देम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई विच इज एन्यूमरेटेड एज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, एक्सप्लेनेबिलिटी, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप याद रख सकते हैं, सारे नहीं रखने बट कुछ इतने रख लीजिए कि आपके आंसर में एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में नहीं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, हर जगह फील होगा। तो प्राइवेसी के इशू भी आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन के भी आएंगे, सिक्योरिटी रिस्क भी होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी इशू बनेगा आगे चल के। तो हमें एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच लेना होगा इसके लिए, कि आगे इसमें जो इवोल्यूशन होने वाले हैं, हम उनके उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करें। ओके, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी भी इवोल्यूशन फेस में ही है। एस ए आई विल नॉट बी कंस्ट्रेंड बाई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, ग्लोबल कोलेबरेशन विल बी रिक्वायर्ड। इसलिए ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात की जा रही है, नेशनल लेवल पर आप जो करें वो ठीक है, ठीक है, लेकिन ग्लोबल फ्रेमवर्क होना जरूरी है। नाउ देयर इज क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल बॉडी, ये बहुत जरूरी है, बट अल्टीमेटली हमें ये भी ध्यान रखना है दैट दे मस्ट सीक टू फैसिलिटेट इनोवेशन, नॉट स्टिफल इट। ऑलराइट, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्रक्स सिर्फ इतना है कि हमें एक प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, नेशनल लेवल पर भी और ग्लोबल लेवल पर भी। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चलिए ब्रिक्स पे आते हैं। तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है 5 से 11 कंट्रीज में, ठीक है। इसमें अलग अलग मेंबर्स ने ज्वाइन किया है, जिनके नाम यहाँ पर आपके सामने हैं। इनको एक बार ये देखते हैं कि क्यों आखिर इनका क्या रोल है, मतलब क्यों इन्हीं कंट्रीज को क्यों चूज किया गया। देखिए ईरान का रोल तो बहुत क्लियर है, राइट, क्योंकि ईरान को एक एग्जिट चाहिए, जो उस पर इतने सेंक्शंस लगे ना, तो वो पूरी तरह से रशिया और चाइना के क्लोज आना चाहता है, ठीक है, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी फिर से बढ़ाना चाहता है। और यहाँ पर इंडिया भी है, तो एक बहुत अच्छा कॉपरेशन का मौका मिलता है उसको। सेकेंड है हमारे पास सऊदी अरेबिया, यूएई। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो होगा ब्रिक्स बैंक को।
ज्यादा कैपिटल आएगी, ज्यादा लोन दिए जा सकेंगे आपस में, एंड एक बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ पढ़ा जा सकता है। इथियोपिया का एडिशन एक सरप्राइज था, क्योंकि मेन कॉन्टेस्ट था नाइजीरिया एंड कीनिया के बीच कि इन दोनों में से किसको लेना है। तो इन दोनों को ना लेके कॉम्प्रोमाइज करके इथियोपिया को ऐड कर लिया गया। अर्जेंटीना आप समझ सकते हैं, ये ब्राजील ने इसको स्पॉन्सर किया क्योंकि वो चाहता है कि हमारा जो सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट है इसका थोड़ा सा वेटेज बढ़े। और इंडिया की बात करें तो उसके यूएई के साथ भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं और सऊदी अरेबिया के साथ भी, तो हम पूरी तरीके से किसी के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया और ब्राजील ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं थे इस एक्सपेंशन को लेकर। क्योंकि चाइना तो बहुत एंथुसियास्टिक था कि एससीओ के साथ साथ अगर ब्रिक्स में भी ज्यादा मेंबर होंगे तो वो तो प्रोजेक्ट करना ही चाहता है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को एज ए एंटी वेस्ट, बट इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा ये। ठीक है, इवन ब्राजील के इंटरेस्ट में भी नहीं होगा, वो भी यूएसए के काफी क्लोज है। ठीक है, और दूसरा इसको अपनी जो करेंसी है युआन उसको एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। चलिए, तो इनकी मेंबरशिप जो है वो 2024 से 1 जनवरी से फोर्स इफेक्ट में आ जाएगी। इट विल एक्वायर ए मोर जियोपॉलिटिकल एजेंडा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू इज कंसेंसस। ये कंसेंसस से मेंबर ज्वाइन हुए हैं, ऐसा नहीं कोई वोटिंग से हुए हैं, किसी मेंबर ने अपोज किया, और कर भी नहीं सकते थे ना यहाँ पे। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो सभी के साथ अच्छे अच्छे रिलेशन हैं, तो फिर हम अपोज कर नहीं सकते। इसलिए वो जो भी न्यू मेंबर एडमिट किए गए हैं वो कंसेंसस से ही किए गए हैं। इंडिया एंड ब्राजील वर इनिशियली लेस एंथुसियास्टिक बट जोहानिसबर्ग डेक्लेरेशन रेफर्स टू कंसेंसस बीइंग रीच्ड। क्योंकि आप सऊदी अरेबिया यूएई को अपोज नहीं कर सकते थे। इनके गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होंगे, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, प्रोसीजर, ये सब अभी डिसाइड किया जाएगा। नाउ इंडिया हैज गुड रिलेशन विद ऑल सिक्स न्यू मेंबर। द एबिलिटी ऑफ चाइना द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन द ग्रुप टू ड्राइव द एजेंडा एंड फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ब्रिक्स शुड नॉट बी अंडरएस्टिमेटेड। पहला एक्सपेंशन किया गया था 2010 में जब साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक बैंक भी कहते हैं, हेडक्वार्टर शंघाई। ठीक है, ये भी चाइना ने ही प्रमोट किया था सबसे पहले, हेडक्वार्टर शंघाई। मतलब ये आइडिया दिया था इंडिया ने, बट चाइना ने फिर इसको ज्यादा एंथुसियास्टिक लिया और हेडक्वार्टर भी अपने यहाँ पर इसका रखा था। ठीक है, उसके अलावा 100 बिलियन डॉलर का कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट की गई 2015 में, और चाइना यहाँ पे लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर था विथ 41 बिलियन डॉलर। इंडिया ने सिर्फ 18 बिलियन डॉलर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चाइना का वेटेज क्यों है इन सब में ज्यादा। दूसरा, जी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मूव ब्रिक्स प्लस अरेंजमेंट एट जियानमिन समिट 2017, एंड फाइनली फाइनली अब एनलार्जमेंट हो गया इस ग्रुप का। नाउ इंडिया विल हैव टू गार्ड अगेंस्ट द ब्रिक्स इमर्जिंग एज एंटी वेस्ट ग्रुपिंग एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चाइनाज पावर प्ले। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये एंटी वेस्ट ना बने। जस्ट अ सेकंड गाइस। द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मेंबर्स ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉन्ट्रडिक्शन। और मैं इसे सारे कॉन्ट्रडिक्शन आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। ठीक है, ना तो पॉलिटिकली कोई यूनानिमिटी है हम सभी मेंबर्स में, और ना ही हम लोग इकोनॉमिकली सेम टाइप की इकोनॉमी कैरी करते हैं, ना ही कोई सेम विजन या आइडियोलॉजी है ग्लोबल मैटर्स पर। इंडिया चाइना के डिफरेंसेस सब जानते हैं, ईरान और सऊदी अरेबिया के डिफरेंसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। ठीक है, सिंस ईरानियन रेवोल्यूशन 1979, उसके बाद से इनके बीच में शिया सुन्नी वाली लड़ाई अभी तक चलती है। अभी थोड़ा टेम्पररी फ्रीज हुआ है थ्रू मीडिएशन ऑफ चाइना, तो इन लोगों ने अपनी एक दूसरे की एम्बेसी फिर से ओपन कर रहे हैं, बट अगेन इनके बीच में डिस्प्यूट्स काफी ज्यादा हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज देयर आर फॉल्ट लाइंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई एंड मेंबर्स डू नॉट पास द टेस्ट ऑफ इकोनॉमिक वाइब्रेंसी। नाउ द चाइनीज इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, रशिया, ईरान, अर्जेंटीना, ब्राजील ऑल गोइंग थ्रू पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, लैकिंग इंटरनल कोहरेंस विद स्लगिश इकोनॉमीज, अनवाइल्डी एंड कंटेंशियस। इंडिया एजेंडा शुड बी टू एनकरेज इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट प्रायोरिटीज, द एस्पिरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ एंड प्रमोट इट्स एंगेजमेंट विद द लेटर। ये आप इस तरह के पॉइंट्स अपने वे फॉरवर्ड में यूज करते हैं। वी मस्ट बी वेरी ऑफ प्रोजेक्ट लाइक ब्रिक करेंसी और डी डॉलराइजेशन, ऑल्टरनेटिव पेमेंट मैकेनिज्म कैन बी एक्सप्लोर्ड। क्योंकि अगर ऐसा कुछ बनाते हैं हम लोग कॉमन करेंसी, तो चाइना का डोमिनेंस उसमें बहुत ज्यादा रहेगा। फिर वो किस तरीके से रेगुलेट होगी, और अगर चाइना अपनी ही करेंसी को ज्यादा डोमिनेंट बना लेता है इस ग्रुप के बीच में, तो
तो अल्टीमेटली वो एक ब्लैकमेलिंग टूल बन जाएगा जो इंडिया के अगेंस्ट एक वेपन की तरह यूज किया जा सकेगा कि हम आपको ये जो अल्टरनेट पेमेंट मैकेनिज्म है इस पे आपके सैंक्शन लगा देते हैं, जैसे आज रक्षा पे लगाए जाते हैं, स्विफ्ट मैकेनिज्म यूज नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है, पेमेंट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल की। तो इस तरह का जो भी पेमेंट सिस्टम बने या जो भी करेंसी बने उसमें इंडिया को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज ए लार्जर रोल फॉर चाइनीज युआन इन द ग्लोबल ट्रेड और एज ए रिजर्व करेंसी। नाउ इंडिया विल हैव टू डिवाइस ए केयरफुल स्ट्रेटेजी टू इंश्योर दैट ग्रुपिंग इज नॉट डोमिनेटेड बाय चाइना टू एडवांस इट्स स्ट्रेटेजिक एजेंडा, ब्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस एंड देर इज लैक ऑफ एपेटाइट अमंग अदर मेंबर एक्सेप्ट फॉर रशिया एंड ईरान टू टेक साइड्स ऑन सीनो यूएस राइवलरी। जहां बात इनकी राइवलरी की आती है यूएस और चाइना की, वहां पर रशिया एंड ईरान की दो कंट्रीज पूरी तरह से सपोर्ट में खड़ी होंगी। तो कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो इंडिया एटलीस्ट ब्रिक्स शुड नॉट बी यूज एज ए फोरम फॉर दिस सीनो यूएस राइवल। ना ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करना है कभी यहां से, ना इस पे कोई डिस्कशन करना है, ठीक है। इंडिया विल हैव टू एंगेज द ग्रुपिंग प्रोएक्टिवली एंड नॉट शाई अवे फ्रॉम वील्डिंग इट्स वीटो इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्सपोजिंग चाइनाज हिपोक्रेसी ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि यहाँ पे बात तो करते हैं कि यूएन में रिफॉर्म होने चाहिए, बट अल्टीमेटली चाइना रशिया दोनों जो वीटो पावर होल्डर हैं वो वहां पे होने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इनकी जो हिपोक्रेसी है उसको एक्सपोज करना चाहिए इंडिया को ब्रिक्स फोरम पे, क्योंकि ब्राजील मेंबर बनना चाहता है, साउथ अफ्रीका ही बनना चाहता है, इंडिया भी बनना चाहता है परमानेंट मेंबर, बट चाइना रशिया कभी उसको खुल के सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ मुंह से बातें करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, ओके। नाउ वेस्ट टू मस्ट इंट्रोस्पेक्ट एज टू वाई इट इज लूजिंग ग्लोबल साउथ एंड द रीजन बिहाइंड 40 ऑड कंट्रीज सीकिंग टू ज्वाइन द ग्रुपिंग। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि ये एक तरह का प्रेशर बिल्ड करता है वेस्टर्न कंट्रीज पे कि ग्लोबल साउथ को हम अब तक निग्लेक्ट करते आ रहे हैं, अब हमें नहीं करना है इनको निग्लेक्ट। इंडिया शुड कंटिन्यू टू नॉट लेट इट्स बायलेटरल डिफरेंस विद चाइना कम इन द वे ऑफ इट्स एंगेजमेंट विद प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स एंड एससीओ, राइट। तो ये था ब्रिक्स की बात। यहाँ पे पाकिस्तान की बात है तो ये हमारे एग्जाम्पल जरूरी नहीं है, बस आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम देख लीजिए, उनकी इकॉनमी फॉल्टर कर रही है, मिलिटेंसी उनके यहाँ बढ़ती जा रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, प्लेइंग पॉलिटिकल पैटर्न, ये जो मिलिट्री है ठीक है वो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरफेयर करती है, एंड सिक्योर सीट एट दी हाई टेबल ऑफ इंटरनेशनल इंटरनेशनल अफेयर में, जो अभी IMF से लोन भी लिया है। तो इनकी जो पहले क्या था कि यूएसए जब तक तालिबान से, मतलब यूएसए जब तक अफगानिस्तान में था तो पाकिस्तान के पास एक वेटेज था नेगोशिएट करने का, अब यूएसए नहीं है तो फिर उसके पास कुछ वेटेज रह भी नहीं गया। ओके, बाकी ये दो आर्टिकल्स हमारे काम के नहीं है, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि ऐसा कुछ काम का है, बस मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, द डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइडेड बाय सीपैक प्रोजेक्ट जो है चाइना पाकिस्तान का, वो ऑलमोस्ट अरेबियन सी जहां पर ग्वादर पोर्ट लोकेटेड है उसका एक्सेस दे देता है। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर ये हमारा इंडिया है, रफली बना रहा हूँ सिर्फ, ओके, इधर म्यांमार है हमारा, ठीक है, इधर पाकिस्तान है, तो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट तक चाइना पहुंच जाएगा इधर से सीपैक प्रोजेक्ट के थ्रू, और इधर से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू यहाँ पर एक क्योक्यू पोर्ट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इंडिया के लिए दोनों साइड से प्रॉब्लम होगी, इधर से भी चाइनीज एक्सेस रहेगा, इधर से भी चाइनीज एक्सेस रहेगा, ठीक है। तो बस वही चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसे में हमारी एयरफोर्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाती है ताकि वो नेवी को सपोर्ट करे, और इसी के लिए हमने क्या किया है कि जो राफेल के नेवल वर्जन है, ओके, तो हमने ये इनका परचेज साइन किया है, बट अभी इनको आने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं ये कि एयरफोर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट, इधर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर ओपन इन टू बे ऑफ बंगाल एट यंगोन एंड क्योक्यू पोर्ट आर वाइटल फॉर बीजिंग। उसके अलावा मलाका डायलेमा है ही उसका, कि अगर मलाका को चोक कर देते हैं, वहां पर आपको पता है अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत पास में है, ओके, वहां पे इंडिया का एक थिएटर है प्रॉपर थिएटर, मैंने आपको समझाए थे पिछली बार कि ये क्या होते हैं, ओके। तो मलाका हमेशा से चाइना के लिए एक नर्व पॉइंट रहा है, उसी के लिए वो एक ऑल्टरनेट रूट बना रहा है वाया थाईलैंड, मुझे उस कैनाल का नाम याद नहीं आ रहा अभी, एक कैनाल बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे स्विस कैनाल है, ताकि मलाका का एक ऑल्टरनेटिव डेवलप किया जा सके थ्रू थाईलैंड, ओके। सो अब ये दोनों पोर्ट की वजह से इट अलाउड इट टू बी स्ट्रेटेजिकली सैंडविच इंडिया ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, बाकी उसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक कमिटी बनी थी टू रिवाइव स्टॉल्ड रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स टू एक्नॉलेज द फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ रियल स्टेट डेवलपमेंट, बट रिकमेंडेड नो डायरेक्ट सपोर्ट इन टू इन एन नो डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू दिस रियल स्टेट इंडस्ट्री, ओके। सिर्फ ये कमिटी का नाम याद रखना है आपको, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अमिताभ कांत,
नीति आयोग के एक्स सीईओ रहे हैं। यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस वर्ड, स्वयंवरी यथाई, ये मैरिजेस होती हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है कि देखिए, एक लॉयर के प्रेजेंस में भी जो शादी होगी वो शादी मानी जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ब्राह्मण प्रीस्ट का होना जरूरी है, या होली फायर का होना जरूरी है, या सप्तपदी यानी सेवन सात फेरे लेना जरूरी है, ठीक है, तभी मैरिज मानी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इट हैज टू डू अवे विद द नीड फॉर अपर कास्ट प्रीस्ट एंड इलेबरेट रिचुअल्स, कंप्लीट वेडिंग सेरेमनीज एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि लॉयर कैन सोलेमनाइज दीज स्वयंवरी यथी मैरिजेस। लेट्स मूव ऑन टू यूएस चाइना। इनके बीच में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, एक दूसरे के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे काफी कंट्रोल लगा रखें। यूएस एक्सपोर्ट कंट्रोल दैट फ्रस्ट्रेट बीजिंग एंड सेट अप ए ग्रुप टू डिस्कस अदर कमर्शियल इशूज, बट नीदर साइड अपियर्ड रेडी टू मेक कंसेशन ऑन डिस्प्यूट दैट हैव प्लंज रिलेशन टू देयर लोवेस्ट लेवल इन डेकेड्स। ठीक है, इन पे कंफ्लिक्ट ओवर टेक्नोलॉजी। यूएस ने अपनी कंपनी को कहा है, आप जो हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं चिप्स की, वो नहीं देंगे चाइना में, ना इन्वेस्ट करेंगे वहां। दूसरा सिक्योरिटी को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, उसके बाद टैरिफ वॉर को लेके, एक दूसरे पर टैरिफ लगाते रहते हैं एक दूसरे के एक्सपोर्ट कम करने के लिए। फ्रांस ने यहाँ पे एक बैन लगाया है ऑन चिल्ड्रन फ्रॉम वियरिंग दी अबाया। ये होता है एक तरह का लूज फिटिंग फुल लेंथ रोब वॉर्न बाय सम मुस्लिम वेमेन, कि आप स्टेट रन स्कूल में ये सब नहीं पहन सकते। एंड फ्रांस इसमें थोड़ा आगे रहा ही है, उसने बुरका पहनने पे बैन लगाया, उसने हिजाब पे बैन लगाया, वो इस तरह की चीजें अलाउ नहीं करता अपनी कंट्री में। तो बट सी, यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, कि आप कभी अगर एथिक्स में या केस स्टडी कहीं भी इस तरह की बातें करें, जैसे हमारे यहाँ कर्नाटका में कंट्रोवर्सी हुई थी, हिजाब कंट्रोवर्सी है ना, तो उसमें प्लीज आप अपने पॉइंट्स रखें, वो ठीक है, बट ये रेफरेंस देने की गलती मत करना कि फ्रांस में ऐसा है तो ये जस्टिफाई होता है हमारे यहाँ भी, हमें करना चाहिए। ये मत देना, ये आपके मार्क्स नेगेटिव में ले जाएगा, ओके। क्योंकि हर देश अपने आप को यूनिक मानता है, अपनी सोशियो कल्चरल कंडीशंस को यूनिक मानता है, तो उसमें आप सिर्फ दूसरे देश ने किया है तो हम भी कर दें, तो ऐसा पॉइंट्स कभी मत लिखना अपने आंसर में। फॉक्सकॉन तो आप जानते हैं, जो सबसे बढ़िया चिप्स बनाता है एप्पल के लिए, ठीक है। तो इसके जो फाउंडर हैं, इन्होंने कहा है कि मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा जनवरी में ताइवान में, ठीक है। और ताइवान कितना सेंसिटिव इशू आप जानते हैं, एंड आई टोल्ड यू कि यूएसए ताइवान को कभी चाइना के अंडर में नहीं जाने देगा ड्यू टू दिस चिप्स। नाउ यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यूके ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिकली टैगिंग द इलीगल माइग्रेंट्स इनटू यूके एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एक्सपेंडेड डिटेंशन प्लान इज अमंग द रेंज ऑफ ऑप्शंस। जीपीएस ट्रैकर विल बी डिप्लॉयड टू टैग माइग्रेंट्स अंडर न्यू इलीगल माइग्रेशन एक्ट रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये आप यूज कर सकते हैं कि हम लोग भी अपने बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स को कुछ कर सकते हैं इस तरह का, ठीक है। या रोहिंग्या केस में भी आप बोल सकते हो, क्योंकि आप रोक तो सकते नहीं आने में, आप बॉर्डर पर गोली तो मार नहीं लोगे अगर हजारों लोग क्रॉस कर रहे हैं तो, बट आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं। चलिए, चंद्रयान वन ने यहाँ पे, मैंने आपको संडे को जो कराया था प्रीलिम्स एक्स्ट्रा, उसमें मैंने बताया थे आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया चंद्रयान थ्री में जो जो गए। तो ये जो इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है चेस्ट, चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, उसके नाम में क्लियर है कि सरफेस पे कुछ करने वाला है। तो इसने क्या किया, जैसे हीट कंडक्टिविटी मेजर किए मून की, तो उसमें आया है कि यहाँ की जो सॉइल है मिट्टी मून की, ओके, यहाँ की जो सॉइल है इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। क्योंकि देखिए, सॉइल पे जो टेम्परेचर है उससे जस्ट आप कुछ मिलीमीटर नीचे चले जाइए और टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, यानी कि हीट जो ऊपर है वो नीचे ट्रांसफर नहीं हो रही है। हीट कंडक्टिविटी ऑफ मून सरफेस एंड मेजर द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑन एंड बिलो द सरफेस। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, देर इज अ वेरी शार्प डिफरेंस इन टेम्परेचर जस्ट अबव एंड बिलो द सर्फेस ऑफ मून। द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस वर ओवर 50 डिग्री सेल्सियस, दे ड्रॉप टू नियरली -10 डिग्री सेल्सियस जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर बिलो द सर्फेस। द टॉप सॉइल ऑफ लुनार सर्फेस डिड नॉट कंडक्ट द हीट वेरी वेल एंड इंसुलेटेड द सब सर्फेस फ्रॉम द हीट। ओके, ये पहले से भी पता था, लेकिन बस ये है कि ये पहली बार ऐसा है कि डायरेक्ट मेजर किया गया है टेम्परेचर को, ठीक है। तो कई बार ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि हमने भेज के क्या अचीव किया। मैंने आपको अपने संडे के लेक्चर में बताया था चंद्रयान वन ने क्या अचीव किया, चंद्रयान टू ने क्या अचीव किया, और अब चंद्रयान थ्री, ठीक है। तो ये उसका एक पॉइंट आता है, सब सॉइल नियर साउथ पोल ऑफ द मून। इवन ऑन द सर्फेस देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन डे टाइम एंड नाइट टाइम। डे टाइम में यहाँ पे टेम्परेचर आपको 200 डिग्री सेल्सियस तक चला, सॉरी, नाइट टाइम में 200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और दिन में
हॉटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और सॉइल के सैंपल्स तो पहले भी लाए गए हैं अपोलो मिशन और इन सबसे, लेकिन पहली बार है कि वहां पर डायरेक्टली साउथ पोल पर ही हमने ये मेजरमेंट किया है। ठीक है, बाकी तो और कुछ इसमें ऐसा कोई काम का पॉइंट नहीं है जो आपको कहीं पे मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी आपको। बाकी ये तो पता ही है कि और जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब क्या कर रहे हैं वहां पे, केमिकल्स मिनरल्स इन सबके लेवल ऑफ रेडिएशन सीस्मिक एक्टिव वगैरह को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इंसान के लिए वहां पर, कि हम वाटर या हाइड्रोक्सिल जो है इनका पता लगाएं। अगर ये मिलते हैं तो ये एज अ फ्यूल काम कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि वहां पे हम एक स्पेस स्टेशन की तरह बनाएं और वहां पर जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करें, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स को, और इनको यूज करें हम एज अ फ्यूल टू पावर दी रॉकेट्स फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन इन डीप स्पेस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फीट ऑन मून आइस ऑन सन। तो सन को लेके अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखने हैं ये जो लाग्रांज पॉइंट्स हैं, पहले भी बताया मैंने। ठीक है, अर्थ और सन के बीच में आता है लाग्रांज पॉइंट वन। ठीक है, सन की दूसरी तरफ है लाग्रांज पॉइंट थ्री और अर्थ के अपोजिट साइड है लाग्रांज पॉइंट टू और परपेंडिकुलर पे है 4 एंड 5। ठीक, तो एक्चुअली ये होता है क्या है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए पहली बात तो ये लाग्रांज पॉइंट कहां पर है आपका, 1.5 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पर अर्थ से। ओके, ऑलमोस्ट 4 टाइम फार्दर देन मून। इट इज वन ऑफ द 5 पोजिशंस। अब इसमें होता क्या है कि यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस किया जाता है उस पे जो ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीपिटल फोर्स है ये बैलेंस हो जाता है। तो यहां पर जो भी हम ऑब्जर्वेटरी या सैटेलाइट रखते हैं वो अपने आप स्टेशनरी हो जाती है, उसको एक अलग से फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ये इसलिए हम लोग बात करते हैं, इनको कहते हैं लाग्रांज पॉइंट। ठीक है, इतना समझ में आया कि यहां पर आपका बैलेंस हो जाता है ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हम लोग जिस डिस्टेंस पे जा रहे हैं इट इज जस्ट 1% ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर बिटवीन अर्थ एंड सन। ओके, पीएसएलवी रॉकेट कैरी करेगा, वेट होगा अराउंड 1475 kg, टू एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। और जाने का तरीका वही होगा जो हमारा मून पे जाने का तरीका था, पहले हमें ऑर्बिट धीरे धीरे रेज करने पड़ेंगे और फिर हम वहां से स्लिंग शॉट मारेंगे सीधे हेलो ऑर्बिट में। ओके, क्योंकि हमारे पास उतने पावरफुल रॉकेट नहीं है जो यहाँ से ऐसा सीधा ले आए हमें, और होंगे भी तो भी उन पे फ्यूल बहुत ज्यादा लग जाता है। इट विल एक्ट एज ए पार्किंग स्पॉट इन द स्पेस वेयर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इक्वल्स द सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट। दे डू नॉट नीड टू एक्सपैंड ए लॉट ऑफ फ्यूल टू रिमेन इन पोजिशन। लाग्रांज वन पॉइंट ये मून से ज्यादा दूरी पर है। ये हमें प्रोवाइड करेगा अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ द सन इवन ड्यूरिंग इक्लिप्स, क्योंकि जब धरती से आप करते हो तो कई चीजें बीच में आ जाती हैं। इक्लिप्स तो एक अपना है ही, उसके अलावा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इस तरह की, तो उतना क्लियर ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है। लेकिन लाग्रांज पॉइंट वन से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये एक बेटर पिक्चर देगा। ओके, नेक्स्ट इट विल लुक इनटू द सोर्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। इस पे ये जो इंस्ट्रूमेंट रखा जाएगा VLEC, इट विल लुक इनटू दिस सोर्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन। अब इसके लिए मुझे एक्चुअली आपको सन का डायग्राम दिखाना था, बट ठीक है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा, या आपने कभी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टार क्लोजेस्ट टू अस एंड हाउ इट्स रेडिएशन हीट फ्लो ऑफ पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट अस। इट विल स्टडी दी अपर एटमोस्फियरिक लेयर ऑफ द सन कॉल्ड क्रोमोस्फियर एंड कोरोना, इनको स्टडी करेगा। इट विल स्टडी द एक्सपल्शन ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कॉल्ड कोरोनल मास इजेक्शन। ये सब सन के बारे में है, या तो आप खुद से कर लीजिए या मैं आपको किसी और वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, एक मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये ज्यादा ब्राइट नहीं होता है कोरोना, ठीक है, लेकिन ये मिलियन डिग्री हॉट है जबकि सरफेस पे टेम्परेचर सिर्फ 5500 डिग्री है। ओके, तो ये कैसे हो सकता है कि ऊपर का टेम्परेचर इतना कम है और अंदर जो कोरोना है उसका इतना ज्यादा मिलियंस डिग्री हॉट, थोड़ा बहुत भी नहीं बहुत ज्यादा। ओके, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इट विल ऑल्सो हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑन द सन विच लीड्स टू सोलार विंड्स। ये आप जानते हैं हमारे सैटेलाइट वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, से कम्युनिकेशन लाइन लिंक्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। VLEC has a mechanism by which the bright visible light in the is occluded and only the light coming from the corona detected.
तो बाहर जो सरफेस है हमारा सन का, उससे जो लाइट निकले ना उसको ऑक्लूड कर देगा, और अंदर जो उसके अंदर की लेयर में जो कोरोना है उसी को ऑब्जर्व करेगा डायरेक्टली, ये VLEC। ओके, इसमें ऐसा मैकेनिज्म है। इट विल स्टडी द सोलार कोरोना फ्रॉम द लोअर मोस्ट पार्ट अपवर्ड। इसके अलावा एक सूट भी है इसमें, विच विल कैप्चर दी अल्ट्रावायलेट इमेज ऑफ द सोलार फोटोस्फेयर एंड क्रोमोस्फेयर। नाउ व्हाई स्टडी द सन फ्रॉम द स्पेस? टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट अदर स्टार्स। क्योंकि सन क्या है, एक तरह का स्टार है, लेकिन ये हमारे सबसे नियरेस्ट है। अगर हम इसको समझ पाते हैं तो फिर हम दूसरे स्टार्स के फेनोमिना को भी बेटर समझ पाएंगे। दीज कैन डैमेज आवर सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये जो सोलार फ्लेयर्स रिलीज होते हैं। दी वेरियस थर्मल एंड मैग्नेटिक फेनोमिना ऑन द सन आर ऑफ एक्सट्रीम नेचर। अर्थ एटमोस्फियर एंड द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव शील्ड दैट ब्लॉक हार्मफुल रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो कुछ रेडिएशन ब्लॉक हो जाती है ना, इनको ही हम बेटर ऑब्जर्व कर पाएंगे फ्रॉम एल1 पॉइंट। ये इनकी रिलायंस की बोर्ड मीटिंग हुई थी उसका है, तो हमारे काम का नहीं है, हमें नहीं जानना है वो सब। ठीक है, अभी इकॉनमी में तो ऐसा कुछ काम का नहीं है, और बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। तो ओके, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ओके, एंड प्लीज अगर आपने संडे का प्रिलिम्स एक्स्ट्रा नहीं देखा है, प्लीज उसको देखिए, वो आपके प्रिलिम्स के लिए बहुत काम का है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ इंडियन एक्सप्रेस से ही नहीं आ जाएगा, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा है अब यूपीएससी के प्रिलिम्स में। 30-40 क्वेश्चन प्रिलिम्स से करंट अफेयर बेस्ड आएंगे आपको। ओके, सब कुछ इंडियन एक्सप्रेस से नहीं होगा, इसलिए प्लीज संडे का प्रिलिम्स एक्स्ट्रा मत मिस करना। राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव अ ग्रेट डे।